डिसाइड किया था एक मीटिंग में, एक सेवा के बाद ही हम उत्सव मनाएंगे, उत्सव हमारी प्रायोरिटी नहीं है। हमारे ग्रुप का नाम है चापा सेवा संस्थान, इसके तहत हमको सेवा कार्य में इस साल ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करना है और निर्णय लिया गया है कि एक कैलेंडर के तहत कार्य किया जाएगा। कैलेंडर के तहत हर महीने एक प्रोग्राम फिक्स होगा जिसकी जानकारी आपको अध्यक्ष महोदया दे दिया करेंगी, उसके अनुरूप आगे का कार्यक्रम चलता रहेगा। एक प्रोग्राम हमारा सालाना प्रोग्राम बना हुआ है इस बीच में किसी स्कूल में को गोद लेने का, इसके लिए भैया हम लोग को बताएंगे, भैया हमको सर्च करके बताएंगे कि कौन सा स्कूल ऐसा है जिसके लिए हम सही सेवा की जरूरत है। जैसे आज हम लोगों ने आया यहाँ हम लोगों ने कंबल वितरण का प्रोग्राम बनाया था, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग से हुआ कि हम लोगों ने टॉयलेट की जरूरत नहीं पूछ पाई। अब से हम जो भी कार्यक्रम करेंगे पूरी योजना से करेंगे, ये पहला कार्यक्रम था और इसके लिए सबका सहयोग सराहनीय रहा है, लेकिन आगे पूरी प्लानिंग के तहत और उम्मीद रहेगी सब सहयोग करेंगे। स्कूल गोद लेने का एक प्रोग्राम बन रहा है, उसके लिए ऐसा है कि साल भर के लिए वो बात होगी, साल भर में किस स्कूल को हम गोद लेंगे वहाँ महीने में एक दिन हम लोग का विजिट रहेगा। वो नोटिस आपको दे देंगी सरिता भाभी, उस दिन जाके वहाँ ग्रुप के जितने मेंबर्स हैं उनका जिनका बर्थडे है वो उस स्कूल में ही मनेगा, और उस स्कूल के जितने बच्चों का बर्थडे है वो साथ में एक साथ सेलिब्रेट होगा। ये साल में हर महीने ये एक एक प्रोग्राम होगा। इसके अलावा उस स्कूल की मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी हम लोगों को लेनी होगी। मॉनिटरिंग की मतलब ऐसा नहीं है कि वहाँ हम लोगों को रोज़ जाना है, किसी भी दिन जिसको भी लगे